नजर डालते हैं दिलचस्प और अजीब खबरों पर। कोलंबिया में हेलीकॉप्टर उड़ान भरते ही खौफनाक हादसे की नजर हो गया। गैर मुल्की खबरसान इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया के शहर मेडिगल में हेलीकॉप्टर उड़ान भरते ही अचकोले खाता रहा, इमारत से टकरा कर मोबाइल टावर से लटक गया। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 6 सयाह मौजूद थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। हेलीकॉप्टर हादसे में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का कहना है कि तमाम मुसाफरों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया, जिसमें नेशनल पुलिस, फायर फाइटर, सेहत के अमले ने हिस्सा लिया। बेवा खातून का मेडिकल कॉलेज को $1 अरब का अतिया कर दिए, जिससे तालिबे इल्मों की फीस हमेशा के लिए माफ कर दी गई। जब 96 साल रूथ के शोहर का 2022 में इंतकाल हुआ तो वो अपने विरसे में कुछ ऐसा छोड़ गए जिसने उनकी अहलिया को हैरान कर दिया। ये एक अमेरिकन कंपनी के $1 अरब मालियत के हसस थे जो रूथ एक डॉक्टर हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे शोहर ने उन हसस के जरिए मुझे दंग कर दिया था। इनकी वाहिद हदायत बस ये थी कि मैं इस रकम के साथ कुछ भी करने के लिए आजाद हूँ। भारतीय सियाती इलाके जयपुर के अमरकला में मिस्री खातून सियाह को सवारी करते हुए बदमस्त हाथी ने गिराकर जख्मी कर दिया। बेलगाम हाथी को काबू करने वाले मौके पर मौजूद भी 2 अफराद जख्मी हो गए। बदमस्त हाथी के इस हमले की वीडियो वहां पर मौजूद एक सियाह ने बनाकर वायरल कर दी, जिसमें देखा जा सकता है कि ये बदमस्त हाथी अपने पर सवार मिस्री खातून को पहले उछालते हुए हवा में घूमता और गिराता है, इसके बाद पिछली टांग से इस सयाह खातून पर हमला करता है। हमले के दौरान हाथी का मालिक हाथी की अगली टांग पकड़कर इसे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहता है। वहां पर मौजूद मजीद 2 अफराद भी हाथी को काबू करने और जख्मी मिस्री खातून सयाह को बचाते हुए जख्मी हुए। जख्मी खातून सयाह को फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया।